नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आती रहूंगी और आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस समय जो मेरी श्रृंखला चल रही है वो जो भारत में स्थापित की गई कला संस्थाएं थी उससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पहले हमने चार कला संस्थाएं पढ़ी थी और अब हम लोग पांचवी कला संस्था पढ़ेंगे। देखिए कौन सी कला संस्था है, वो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लाहौर, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम प्राचार्य जो थे वो लॉकवुड किपलिंग थे। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, इसका नाम परिवर्तन हुआ 1958 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम से, यानी 1958 से इसका नाम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स रख दिया गया। लेकिन आपको जब भी पूछता है क्वेश्चन में तो इसी नाम से पूछता है, लेकिन कुछ चीजें आपको अपने नॉलेज के लिए भी जाननी चाहिए, फिर परीक्षा की कोई नहीं है कि क्या कहाँ से पूछ लेगा। इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य थे समरेंद्र नाथ गुप्त। इस कॉलेज से रिलेटेड इतनी ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि स्थापना कब हुई थी, इसके प्रधान प्राचार्य कौन थे, नाम परिवर्तन कब किया गया, नाम परिवर्तन करके कौन सा नाम रख दिया गया और इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य। अब आइए अगली कला संस्था हम लोग देखते हैं। वो कला संस्था है कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन बोलपुर वीरभूम पश्चिम बंगाल। जहां जहां से रिलेट करके क्वेश्चन आता है मैंने ये पूरा सब कुछ लिख दिया है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1901 में, स्थापना जो है किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन का जो अर्थ होता है वो होता है शांति का निवास। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1860 ईस्वी में बंगाल में शांति निकेतन एक भवन बनवाया था। इसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का कंफ्यूजन रहता है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई। कुछ लोग कहते हैं कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी और जब अभ्यर्थी आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। तो दोस्तों मैं आपको बताती चलूं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो स्थापना की थी 1860 में वो शांति निकेतन नाम का एक केवल भवन बनवाया था, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसमें शिक्षा के लिए जब उसको स्थापित किया तो वो शांति निकेतन शिक्षा के उद्देश्य से हुआ और इसीलिए इसको शांति निकेतन की स्थापना जब भी पूछता है तो आप हमेशा लगाएंगे 1901 रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसी भवन में शांति निकेतन की स्थापना शिक्षा के उद्देश्य से रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी, इसलिए शांति निकेतन की स्थापना जब भी पूछा जाए आपसे 1901 रविंद्रनाथ टैगोर, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। 1919 ये एक महत्वपूर्ण इसका वर्ष है। 1919 में रविन्द्रनाथ ने कला भवन की स्थापना की, यानी पहले वो शिक्षा के लिए कॉलेज चल रहा था लेकिन उसमें कला भवन यानी कला डिपार्टमेंट जो होता है वो स्थापना की 1919 में, जिसका प्रिंसिपल नंदलाल बोस को बनाया गया। 1921 में ये सब जो महत्वपूर्ण सन है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा जहां कहीं भी लिखते हैं। 1921 में शांति निकेतन का नाम बदलकर विश्व भारती कर दिया गया। 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना की, विचित्रा क्लब की स्थापना की। शांति निकेतन को देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूछा जा सकता है कि किस कला संस्था को कला का तीर्थ स्थल कहा जाता है, तो शांति निकेतन को कला का तीर्थ स्थल कहा जाता है। 1951 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। 1920 के दशक में ये जो कला भवन था ये बहुत स्कूल से बहुत साम्य रखता था, यानी काफी समानता थी। शांति निकेतन का जो कुलपति होता है साथियों वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ अध्यापन की पांच धाराएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी धाराएं, किस किस चीज की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है,
चित्रकला, मूर्तिकला, डिजाइन, ग्राफिक तथा कला इतिहास। दोस्तों इस प्रश्न से, इस लाइन से जो है, इसके पहले प्रश्न आ चुके हैं। पूछा था क्वेश्चन की शांति निकेतन में किस विधा की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो आपको जब ये पता होगा कि किन किन विधाओं की शिक्षा दी जा सकती है, तभी आप उस प्रश्न को सही कर पाएंगे। अगला देखिए पॉइंट क्या है। इस कला भवन में पृथक पुस्तकालय एवं नंदन म्यूजियम भी है। यहाँ से वार्षिक जनरल नंदन भी प्रकाशित होता है। जब हम लोग छोटे थे तो नंदन पत्रिका आती थी, ये आप लोग अभी भी आती होगी नंदन पत्रिका, जहाँ तक मुझे मालूम है। ये बच्चों की पत्रिका होती है जो कहाँ से प्रकाशित होती है, इसी कला भवन से प्रकाशित होती है, यानी नंदन म्यूजियम। कला भवन के जो वर्तमान प्राचार्य है वो प्रोफेसर पंकज पवार है, ये मूर्तिकार है। तो शांति निकेतन से रिलेटेड आपको सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपको पता चल चुके। और आइए अगले कला संस्था की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगली कला संस्था हम लोग देखते हैं। तो अगली कला संस्था है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंदौर। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1927 में स्वर्गीय दत्तात्रेय दामोदर देवला लेखर ने की थी। इस महाविद्यालय के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इस महाविद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए अगली और महत्वपूर्ण संस्था देखते हैं, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ। यहाँ से प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो या चाहे पीजीटी का, नेट का, कोई भी आप एनवीएस केवीएस जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एक दो मिलते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1911 ईस्वी में हुई थी। देखिए यहाँ पर किन किन चीजों की पढ़ाई होती है, व्यवसायिक कला, वास्तुशिल्प, रेखांकन, धातु ढलाई, कास्ट शिल्प, क्ले मॉडलिंग आदि कलाओं के प्रशिक्षण हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में स्कूल ऑफ डिजाइन के नाम से किया गया था। यानी जब इस विद्यालय की स्थापना हुई तो 1911 में इसका क्या नाम था, स्कूल ऑफ डिजाइन। इसके प्रथम ब्रिटिश प्राचार्य कौन थे, ये प्रश्न जरूर आता है, अक्सर आता है। प्रथम ब्रिटिश प्राचार्य नथेनियल हर्ट थे। अगर ब्रिटिश नाभि लगा के आपको दे और पूछा जाए कि लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो भी नथेनियल हर्ट होंगे। अगर आपसे स्पेशली लगा के पूछता है कि प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, तब आप उत्तर लगाएंगे असित कुमार हल्दार। अभ्यर्थी क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ने में गलती कर बैठते हैं और इन्हीं दो नामों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे पहले याद करके बैठे असित कुमार हल्दार, तो पूछ लिया प्रथम प्राचार्य तो सीधा लगा देते हैं असित कुमार हल्दार। तो ये गलती आप सब मत करिएगा। असित कुमार हल्दार की जो प्राचार्य पद पर नियुक्ति हुई थी वो 1925 में नियुक्त हुए थे। यहाँ पर वास पद्धति और अकादमिक शैली दोनों ही यहाँ की बहुत लोकप्रिय है। इस स्कूल में प्रवेश लेने वाले प्रथम भारतीय छात्र जो थे वो थे ललित मोहन सेन। आइए इसमें और आगे देखते हैं। तो लखनऊ कला महाविद्यालय में हम आगे और देखते हैं। 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर यहाँ के प्राचार्य बने थे और इनके समय में ये कला महाविद्यालय अपने स्वर्णिम युग में था। ये इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। 1968 ईस्वी में रणवीर सिंह बिष्ट यहाँ के प्राचार्य बने। तो कुछ जो महत्वपूर्ण सन है लखनऊ महाविद्यालय के लिए वो इम्पोर्टेंट है। 1911 में इसकी स्थापना हुई, 1925 में असित कुमार हल्दार यहाँ के प्राचार्य बने, 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर यहाँ के प्राचार्य बने और 1968 में रणवीर सिंह बिष्ट यहाँ के प्राचार्य बने। 1973 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट यानी लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीन कर दिया गया। इस कॉलेज की मासिक जो पत्रिका निकलती है उस पत्रिका का नाम है रचना। यहाँ के वर्तमान जो डीन या प्राचार्य हैं वो डॉक्टर रतन कुमार हैं। अगली कला संस्था हम लोग देखते हैं, शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली। इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 में, ये जो आर्ट स्कूल था ये दिल्ली का सबसे पुराना स्कूल है। ये इस स्कूल के बारे में महत्वपूर्ण लाइन है कि दिल्ली का सबसे पुराना स्कूल आर्ट स्कूल कौन सा है, तो वो है शारदा स्कूल ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली। इसकी जो स्थापना की थी अमरनाथ के शिष्य थे शारदा चरण उकील, उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। तो इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आर्ट कला संस्था के ऊपर आ चुकी है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और आगे की वीडियो का भी इंतजार करिए, कला संस्था से ही रिलेटेड आपको अगली वीडियो भी मिलने वाली है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार।